Good morning, students. In this lecture, we are going to discuss the main important problems based on midpoint theorem. Let's come to the problem number one. In this question, it is given that show that the quadrilateral formed by joining the midpoints of pair of adjacent side of square is a square. इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास square है, स्क्वायर के एडजेसेंट साइड के मिड पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो जो भी क्वाड्रिलेटरल बनता है वो क्वाड्रिलेटरल क्या फॉर्म करेगा, स्क्वायर फॉर्म करेगा. ठीक है, स्क्वायर शो करने के लिए आपको क्वेश्चन में पहले सॉल्यूशन में प्रूविंग में शो करनी पड़ेगी कि ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है, फर्स्ट थिंग आपको शो करना पड़ेगा कि ये जो भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है ये क्वाड्रिलेटरल आपका क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम है. स्क्वायर शो करने के लिए किसी भी क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें आपको प्रूफ करनी पड़ेंगी. दूसरी चीज़ आपको शो करनी पड़ेगी वो है कि जो भी क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है उसके चारों साइड्स इक्वल हैं. और एट लास्ट आपको थर्ड थिंग शो करनी पड़ेगी कि ये जो भी आपको जो भी क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है इसमें जो एंगल्स हैं वो एंगल्स आपके 90 डिग्री. अगर आप इतनी चीज़ें शो कर पाएंगे तो आप शो कर पाएंगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो आपका क्या है, स्क्वायर है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट प्रूविंग. तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने डायग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट किया. कहते हैं कि शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ स्क्वायर इज अ स्क्वायर. तो सबसे पहला बच्चों हम लोगों ने क्या काम किया, एक स्क्वायर ड्रॉ किया. ठीक है, सपोज करिए आप भी मेरे साथ वर्क करना स्टार्ट करिए. ये आपने क्या किया, स्क्वायर ड्रॉ किया, स्क्वायर ड्रॉ किया. इसकी नेमिंग हम लोगों ने कर दी ए बी सी डी. ठीक है, फिर इसके बाद इनके मिड पॉइंट्स हम लोगों ने ले लिए. कौन कौन से मिड पॉइंट, कह दिया ये पी है, इट इज क्यू, इट इज आर एंड इट इज योर एस. ठीक है, पी क्यू आर एस हो गया. अब कहते हैं कि शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल. ये पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल है. अब इनके कहते हैं पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया. तो आपने इनको यहाँ से इस तरीके से ज्वाइन करना स्टार्ट किया. ये आपने इसको ज्वाइन कर दिया, यहाँ से इसको ज्वाइन किया, ये इसको ज्वाइन कर दिया और एट लास्ट फाइनल आपने इसको ज्वाइन किया. ठीक, तो ये चीज़ आपको मिल गई. अब बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में देखिए शो क्या करना है. यू हैव टू शो दैट कि ये जो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस आपको मिल रहा है ये क्वाड्रिलेटरल क्या फॉर्म करेगा, स्क्वायर फॉर्म करेगा. स्क्वायर फॉर्म करेगा तो इसके लिए पहला काम जो हम लोगों का होता है, हम लिखते हैं किसी भी प्रूविंग में, दैट इज़ गिवन. गिवन की बात करें तो गिवन क्या है बच्चों, गिवन की बात करते हैं तो हमने कहा कि एक स्क्वायर है, गिवन है ए बी सी डी, ए बी सी डी स्क्वायर गिवन है. ठीक है, जिसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इन विच पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ पी, किसका मिड पॉइंट है, ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, ए बी बी सी सी डी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली. और इसके बाद इन्होंने क्या किया है, इन को सबको ज्वाइन कर दिया है और क्या क्या किया है, रिस्पेक्टिवली पी क्यू क्यू आर आर एस एंड एस पी आर ज्वाइन. ये पोर्शन हमारा गिवन था. ठीक, अब देखिए प्रूफ क्या करना है बच्चों. अगर प्रूफ की बात आए, टू प्रूफ, तो हम लोगों को क्या चीज़ प्रूफ करनी है, वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू प्रूफ दैट कि दिस क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर, पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर. ये चीज़ आपको बच्चों क्या करनी है, शो करनी है. ठीक है, अब देखिए इसके लिए स्टार्ट करते हैं. हम लोगों ने क्या किया, इसके लिए हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, विदाउट कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है. तो मैंने यहीं पर इसको लिख दिया कंस्ट्रक्शन के लिए, कि कंस्ट्रक्शन में हमने कह दिया जॉइन ए सी, हमने क्या किया जॉइन ए सी एंड बी डी. ध्यान से समझिएगा क्या किया कंस्ट्रक्शन में बच्चों, ए सी को जॉइन किया और हम लोगों ने क्या किया, बी डी को जॉइन किया. इस तरीके से अगर आप देखिए, ये हम लोगों ने ए सी को यहाँ से जॉइन किया इस तरीके से. ठीक, उसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसी तरीके से बी डी को भी ज्वाइन कर लेंगे, बिना इसके हमारा काम नहीं चलेगा. ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या किया, बी डी को भी ज्वाइन करा दिया. ठीक, ए सी और बी डी को ज्वाइन करा दिया. ठीक, इतनी चीज़ें होने के बाद अब देखिए सबसे पहला जो हमारा वर्क होगा बच्चों, वो हमें ये शो करना पड़ेगा कि पी क्यू आर
एस आपका एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। पहली चीज़ हम लोगों को यही शो करनी है, तो हमने कह दिया लेट्स कम टू द प्रूफ। प्रूफ की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो सबसे पहली चीज़ अगर आप ध्यान से समझिए, तो पी इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड क्यू इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक। अगर ट्राइंगल ए बी सी में देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। क्यू ए बी का मिड पॉइंट है, पी ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू जो है बी सी का मिड पॉइंट है, तो पी क्यू क्या हो गया, इट इज़ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू मिड पॉइंट्स पी एंड क्यू। सो बाय विच थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट कि दिस पी क्यू इट इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ए सी। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ए सी, ये चीज़ आपको मिल गई। उसी तरीके से हम आते हैं ट्राइंगल ए डी सी में, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी की अगर हम बात करें बच्चों, तो ट्राइंगल ए डी सी में अगेन देखिए एस एंड आर योर मिड पॉइंट, और एस और आर अगर आपके बच्चों मिड पॉइंट हैं, तो एस आर इज़ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू मिड पॉइंट्स एस एंड आर। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट कि दिस एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल्स टू हाफ ए सी। तो यहाँ से हम लोगों ने लिख दिया कि एस एंड आर मिड पॉइंट्स। सो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि एस आर इज पैरेलल टू ए सी, एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल्स टू हाफ ए सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, पी क्यू ए सी के पैरेलल है और ए सी एस आर के पैरेलल है। यहीं से देखिए, पी क्यू ए सी के पैरेलल है और ए सी एस आर के पैरेलल है, इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि पी क्यू आपका एस आर के पैरेलल है। तो हमने कह दिया कि देयर फोर पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, पी क्यू किसके पैरेलल हो गया, एस आर के पैरेलल हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर यहाँ से अगर आप सोचिए, तो क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी इसके, इन दिस केस यू कैन ऑल्सो सी दैट क्या चीज़ मिलेगी आपको, ध्यान से देखिएगा, पी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ए सी, पी क्यू जो है हाफ ए सी के इक्वल है और एस आर भी हाफ ए सी के इक्वल है। तो इसका मतलब अगर यहाँ से देखिए, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों में देखिए तो राइट हैंड साइड इक्वल है, तो वी कैन से दैट कि पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, देयर फोर पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, अब आपके पास क्या है, आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, इन विच साइड पी क्यू इज पैरेलल टू साइड एस आर एंड साइड पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर। सो बाय द थ्योरम दिस क्वाड्रिलेटरल विल बिकम अ पैरेललोग्राम, क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं, तो वी कैन से दैट कि पी दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस विल बिकम अ पैरेललोग्राम। तो हमने यहाँ से कह दिया कि देयर फोर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस हमारा क्या बन गया बच्चों, पैरेललोग्राम बन गया। अब हम अभी इसके एक स्टेप को क्रॉस किए हैं, ये स्टेप जो हम लोगों ने किया है, ये स्टेप आपका मैक्सिमम क्वेश्चन में यूज होगा, तो इस स्टेप को प्रॉपरली अच्छे से समझ लीजिए। अब हमने एक स्टेप को क्रॉस कर चुके हैं, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप प्रूफ करने को है, क्या चीज़, कि इनके जो भी क्वाड्रिलेटरल है, जो भी पैरेललोग्राम है, इसके फोर साइड्स इक्वल हैं। फोर साइड्स इक्वल करने के लिए हम लोगों ने देखी कौन सा प्रोसीजर अप्लाई किया, ट्रायंगल BPQ अगर आप देखिए, आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल PBQ आपको दिख रहा होगा, और ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा एक नेक्स्ट PCQ आपको, बेसिकली बच्चों यहां से एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ट्रायंगल देखिएगा आप, ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल PBQ एंड ट्राइंगल RCQ, ट्राइंगल PBQ और RCQ दिख रहा होगा, तो हम लोगों को इन्हीं दोनों ट्राइंगल में प्रॉपरली क्या करना है, वर्क करना है। तो लिखिए आप यहाँ से, नाउ इन ट्राइंगल PBQ
एंड आर सी क्यू। ध्यान से समझिएगा कि ट्राइंगल में हम लोगों ने क्या क्या वर्क किया है। देखो अगर हम यहाँ से बच्चों लिखना चाहें तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से अगर आप देखिए तो हमको पता है कि ए बी सी डी आपका स्क्वायर है। ए बी सी डी अगर बच्चों स्क्वायर है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या चीज़ हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल्स टू डी सी। हमने यहाँ से क्या लिखा कि ए बी इज इक्वल्स टू डी सी है, और अगर हमने क्या कर दिया, हमने लिख दिया कर लिया हाफ ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डी सी। और अगर यहाँ से बच्चों देखिए तो बेसिकली सॉरी हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डी सी किया। अगर मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ये पूरा आपका ए बी था, पी क्या था इसका मिड पॉइंट था, ए बी का हाफ करोगे अगर आप तो या तो आपको ए पी मिलेगा या तो आपको बी पी मिलेगा। तो हमने बेसिकली अपने कन्वीनियंट के लिए, क्योंकि हम लोगों ने ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल चूज़ किया था, तो ए बी के हाफ को हम लोगों ने क्या लिख लिया, पी बी लिख लिया। तो हमने कह दिया पी बी इज इक्वल्स टू, उसी तरीके से अगर आप डी सी के हाफ में देखिए तो हम लोगों ने ये वाला ट्राइंगल चूज किया था, तो हमने डी सी के हाफ को क्या लिख लिया, आर सी लिख लिया। तो हमने यहाँ से कह दिया कि ये हमारा हो गया आर सी। ठीक, एक चीज़ हमें मिल गई। अब यहाँ से अगर आप देखिए बच्चों, तो यहाँ से अगर आप देखिए तो इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल में अगर आप देखिए तो बेसिकली साइड बी सी का जो मिड पॉइंट है वो आपका क्या है, क्यू है। ठीक है, क्या है, बी सी का मिड पॉइंट आपका बच्चों क्या है, क्यू है। और सिंस क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, देयर फॉर वी कैन राइट दैट कि बी क्यू इज इक्वल्स टू सी क्यू। ठीक है, हम कह सकते हैं बी क्यू इज इक्वल्स टू सी क्यू। क्यों हो गया बी क्यू इज इक्वल्स टू सी क्यू, बिकॉज क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ, बिकॉज क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। बी सी का मिड पॉइंट क्या है बच्चों, बी सी का मिड पॉइंट आपका क्या था, क्यू था, इसलिए हम बी क्यू इज इक्वल्स टू सी क्यू लिख दिए। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर दोनों ही ट्राइंगल की बात करें, चाहे हम इस ट्राइंगल की बात करें बच्चों और चाहे हम इस ट्राइंगल की बात करें, ठीक है, दोनों ही ट्राइंगल की अगर हम बच्चों बात करें तो एंगल सी जो है एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से लिखना चाहें तो बच्चों हम लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। ये चीज़ क्यों हो गई आपको पता है, क्योंकि ये स्क्वायर शेप है और स्क्वायर शेप में दोनों जितने भी एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, तो इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक, अब अगर यहाँ से आप बच्चों देखो तो आपको क्या मिल गया, आपको क्या चीज़ मिली, ये साइड और इनसे इंक्लूडेड एंगल, ये साइड दिस साइड एंड दिस साइड और इनसे इंक्लूडेड एंगल। सो बाई एस ए एस क्राइटेरिया वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं सो बाई एस ए एस क्राइटेरिया, एस ए एस क्राइटेरिया के थ्रू क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ट्रायंगल पी बी क्यू किसके इक्वल हो गया, किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल आर सी क्यू के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहाँ से अगर आप बच्चों देखिए तो आपको क्या मिल जाएगा, पी क्यू इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, क्यू आर। तो हमने कह दिया दिस विल इम्प्लाइज पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर क्यों हो गया, बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ से देखिए पी क्यू इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें, ध्यान से समझिएगा, हमें क्या मिला, हमें मिला पी क्यू किसके इक्वल हो गया, क्यू आर के इक्वल हो गया। और बट अगर आप यहाँ से देखिए, हमको एक चीज़ और भी पता थी, हमने यहाँ से लिखा कि बट पी क्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमारे पास एस आर है, ठीक है, और यहाँ से अगर आप देखिए पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर है और पी एस इज इक्वल्स टू आर क्यू है, एंड पी एस इज इक्वल्स टू आर क्यू है। देखिए ये लाइन हम लोगों को यहाँ से मिली और ये दोनों लाइन हम लोगों को कहाँ से मिली थी, हम लोगों ने प्रूव किया था कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। और बच्चों जब पी क्यू आर एस आपका पैरेललोग्राम बना था तो ध्यान से देखिए, ये देखिए पी क्यू आर एस आपका पैरेललोग्राम बना था, तो बेसिकली पी क्यू आर एस के इक्वल हो गया था और पी एस क्यू आर के इक्वल हो गया था। तो हमने वही लिखा है कि पी क्यू आर एस के इक्वल था और पी एस क्यू आर के इक्वल था। तो इस तरीके से अगर बच्चों आप देखो तो आपको क्या चीज़ मिल जाएगी, आपको यहाँ से मिल जाएगा क्या, हम लिख दे रहे हैं, हमने लिख दिया कि यहाँ से मैं इधर लिख दे रही हूँ, मैंने लिख दिया कि देयर फोर क्या चीज़ मिल गई, पी क्यू इज इक्वल्स टू, पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर, क्यू आर किसके इक्वल है, पी एस के इक्वल है। और बेसिकली यहाँ से अगर देखिए तो पी क्यू जो है एस आर के भी इक्वल है, तो हमने एस आर के इक्वल लिख दिया, तो हमें एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल मिल गया। तो हमें क्या मिला, पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर इज इक्वल्स टू पी एस इज इक्वल्स टू एस आर।
एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल मिला जो पहली चीज़ पैरेललोग्राम थी, दूसरी चीज़ जिसके सारे साइड्स क्या थे, इक्वल थे। अभी भी स्क्वायर को प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना है, एक कदम और चलना है। और वो एक कदम चलने के लिए हमें क्या चीज़ प्रूफ करनी है, हमें प्रूफ करना है कि जो इसके एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है वो 90 डिग्री हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं इसके एंगल की प्रूविंग में, हम आते हैं आगे बढ़ते हैं ट्रायंगल एबीडी में। अगर आप लोग आइए बच्चों, पहले हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इन ट्रायंगल ए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ट्रायंगल एबीडी आपको दिख रहा होगा। ट्रायंगल एबीडी में अगर बच्चों आप देखो, तो अगर हमने सपोज करिए इसकी नेमिंग, इसको ओ कर दिया, इसको क्या कहा, ओ कह दिया, इसको एन कह दिया, और इस वाले को कह दिया, यहाँ पर जो हो रहा है इसको हमने एम कह दिया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ट्रायंगल ए ओ, ट्रायंगल किसकी बात हो रही, ट्रायंगल ए बी डी की बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यहीं पे मैं लिखती हूँ, इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी आपको दिख रहा होगा। ट्रायंगल ए बी डी की अगर हम बच्चों बात करें, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, तो क्या क्या चीज़ें हैं। अगर यहाँ से आप बच्चों देखो, तो ए बी डी में अगर आप बच्चों देखिए, तो ए बी डी में पी और एस क्या है, मिड पॉइंट है। पी एंड एस आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली। तो हमने लिख दिया इन ट्रायंगल ए बी डी पी एंड एस आर मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली। हमने क्या कह दिया कि जो है पी और एस क्या है, देखिए ध्यान से समझिए, पी और एस क्या है, मिड पॉइंट है ए बी के और ए डी के। तो यहाँ से अगर आप बच्चों देखिए, तो हम क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो बाई मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं कि पी एस इज पैरेलल टू बी डी। हम क्या कह सकते हैं बच्चों, पी एस इज पैरेलल टू बी डी, ध्यान से समझिएगा। अब बच्चों पी एस अगर बी डी के पैरेलल है, तो ध्यान से समझिएगा, तो हम कह सकते हैं ये पूरा पोर्शन अगर इसके पैरेलल हो गया बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि छोटा वाला पोर्शन इस छोटे वाले पार्ट के पैरेलल होगा। तो हमने कह दिया कि देयर फोर पी एन इज पैरेलल टू एम ओ। तो हमने कह दिया कि देयर फोर दिस विल इम्प्लाइज पी एन, क्या कह सकते हैं, इज पैरेलल टू एम, और क्या कह सकते हैं, पी एस इज पैरेलल टू एम ओ। ठीक, इतनी बात हो गई। अब इसी तरीके से अगर आप देखिए बच्चों, तो हम लोगों ने क्या प्रूफ किया था, हम लोगों ने प्रूफ किया था कि पी क्यू जो था ए सी के पैरेलल था। हम लोगों ने ये चीज़ ऑलरेडी प्रूफ की थी, क्या चीज़ प्रूफ की थी, कि पी क्यू ऑल्सो ऑल्सो पी क्यू किसके पैरेलल था। ये डायग्राम और ये साथ में मुझे आपको शो करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगी, दैट्स वाई मैं यहाँ पे इसको लिख रही हूँ छोटा छोटा। पी क्यू किसके पैरेलल था, पी क्यू आपका ए सी के पैरेलल था, पी क्यू ए सी के पैरेलल था। तो बच्चों यहाँ से देखो, अगर पी क्यू ए सी के पैरेलल है, तो पी एम किसके पैरेलल हो जाएगा, पी एम ये छोटा वाला पार्ट, पी एम किसके पैरेलल हो जाएगा, पी एम ओ एन के पैरेलल हो जाएगा। तो पी एम आपका क्या हो गया, ये पैरेलल हो गया ओ एन के। ठीक, अब देखिए ये साइड इसके पैरेलल हो गई और ये साइड इसके पैरेलल हो गई, इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि देयर फोर पी एम ओ एन इज अ पैरेललोग्राम। तो हमने कह दिया कि देयर फोर पी एम ओ एन इज अ पैरेललोग्राम, क्या हो गया, पी एन ओ एम आपका बच्चों क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। और जब पी एम ओ एन आपका बच्चों पैरेललोग्राम बन गया, तो डेफिनेटली आपको एक चीज़ पता है, क्या चीज़ पता है, कि पैरेललोग्राम में बच्चों ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल ओ यहाँ से एंगल पी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हमने लिख लिया नेक्स्ट लाइन में कि देयर फोर दिस विल इम्प्लाइज दैट एंगल, हमने लिखा एंगल एन पी एम, एन पी एम, एन पी एम किसके इक्वल हो गया, एम ओ एन के क्या हो गया, इक्वल हो गया, एम ओ एन के इक्वल हो गया। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पर अगर आप बच्चों देखिए, तो क्या था, ये हो गया एन पी एम, एम ओ एन के, एम ओ एन के इक्वल हुआ। सुनो मेरी बात ध्यान से, ए बी सी डी क्या था, ए बी सी डी आपका स्क्वायर था। और स्क्वायर में हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी हुई थी, क्या थ्योरम पढ़ी थी, कि डायगोनल्स जो स्क्वायर के होते हैं
वो एक दूसरे को क्या करते हैं, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब कि ये वाला जो एंगल था या जितने भी ये सब एंगल थे, ये सारे एंगल आपके 90 डिग्री के थे। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया कि एंगल एम ओ एन यहाँ से क्या है, 90 डिग्री है। तो हमने यहाँ से लिख दिया कि बट एंगल एम ओ एन इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल एम ओ एन 90 डिग्री क्यों है 90 डिग्री, बिकॉज डायगनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो यहां से क्या मिल गया कि देयर फोर एंगल एन पी एम यहां से क्या हो गया, MON किसने 90 डिग्री है, तो NPM भी कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से हमें क्या मिल गया, इसका मतलब हमें ये मिल गया कि ये एंगल आपका क्या हो गया, NPM आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक है, NPM आपका 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो इसके ऑपोजिट में जो भी एंगल्स हैं वो भी आपके क्या हो जाएंगे, वो भी आपके क्या हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे। NPM 90 हो गया, देखिए ध्यान से, NPM 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब एंगल P आपका 90 डिग्री का हो गया। मतलब यहाँ से क्या हो गया कि therefore SPQ is equals to therefore angle SPQ ये आपका बच्चों 90 डिग्री हो गया। तो अब आपके पास इस क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए क्या क्या पूरी चीज़ें थी। आपने पहली चीज़ जो प्रूव की इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि PQRS आपका एक पैरेललोग्राम बना। दूसरा स्टेप आप लोगों ने प्रूव किया कि इसके जितने भी साइड्स थे वो इक्वल हो गए। और तीसरा स्टेप आपने प्रूफ किया कि जो एंगल था वो 90 डिग्री का बना। तो हमने कह दिया कि देयरफोर PQRS इज अ स्क्वायर। PQRS हमें क्या मिल गया, एक स्क्वायर मिल गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का छोटा सा पार्ट क्या है, कहते हैं कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये क्या कहते हैं क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने कहा कि अगर आप क्या करते हो, कहते हैं कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के जो मिड पॉइंट्स होते हैं उनको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन सेगमेंट हमें मिलते हैं बता रहा है कि शो करिए कि वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग यहाँ से क्या लेंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला काम हम लोगों ने यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल लेना स्टार्ट किया। ये हमारा क्या मिल गया, सपोज करिए ये हमें मिला एक क्वाड्रिलेटरल। क्या है ये, क्वाड्रिलेटरल एक हम लोगों ने ले लिया, आप किसी और शेप में भी ले सकते हैं, फोर साइड से बाउंडेड। ये हमारा ए बी सी डी क्या मिला, एक क्वाड्रिलेटरल मिल गया, ध्यान से सुनिएगा। अब इनके मिड पॉइंट्स हम लोगों ने ले लिए, हमने कह दिया ये पॉइंट ई है, इसका मिड पॉइंट हमने एफ ले लिया, इसका मिड पॉइंट क्या ले लिया, जी ले लिया, और इसका मिड पॉइंट एच ले लिया। ठीक है, आपको क्या प्रूफ करना है, यू हैव टू शो दैट, क्या चीज़ शो करनी बच्चों, कि प्रूफ करिए कि इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है वो एक दूसरे को क्या करती है, वो एक दूसरे को बच्चों क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो आपको शो करना है कि जो GE है वो FH को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन में बेसिकली लिखा, क्या चीज़ लिखा, गिवन है आपके पास, क्या चीज़ गिवन है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच EFG एंड HR मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD and AD ए बी का मिड पॉइंट, बी सी का मिड पॉइंट, सी डी का मिड पॉइंट और ए डी का मिड पॉइंट, इतनी चीज़ें हम लोगों को, जी एंड एच, इतनी चीज़ें हम लोगों को क्या हो गई, मिल गई। और हम लोगों ने क्या किया, और बेसिकली हम लोगों ने ये चीज़ की, और हमको बच्चों शो क्या करना है, हमको क्या शो करना है, टू शो या टू प्रूफ, क्या चीज़ हमको प्रूफ करनी है, हमें प्रूफ करना है कि ई जी एंड एफ एच, ई जी एंड एफ एच बाइसेक्ट ईच अदर। ई जी और एफ एच एक दूसरे को, ई जी और एफ एच एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इतना काम किया, इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए बच्चों हम लोगों ने क्या किया,
हमने ज्वाइन करना स्टार्ट किया. हमने क्या काम किया, ज्वाइन करना स्टार्ट किया. तो ज्वाइन इसको ज्वाइन किया ई एफ को एफ जी से, फिर इस तरीके से इसको ज्वाइन किया और नेक्स्ट हमने इसको ज्वाइन किया. तो ये ज्वाइनिंग वाला हमारा काम हो गया. हमने कह दिया कि ज्वाइन, कहा ज्वाइन ई एफ एफ जी जी एच एंड एच ई, इसको ज्वाइन किया. और उसके बाद एक अगला काम आपका और है. आपने यहाँ से क्या किया, इस ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल के डायग्रल को ज्वाइन कर दिया. ज्वाइन ऑल्सो ज्वाइन ए सी, ए सी को भी हमने क्या कर दिया बच्चों, ज्वाइन कर दिया. ठीक, इतना काम हम लोगों का हो गया. अब आते हैं प्रूविंग पे. लेट्स कम टू द प्रूफ. प्रूफ की अगर हम बच्चों बात करें तो ध्यान से समझिएगा. इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी की अगर हम बात करें तो ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी. ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी. ई ए बी का मिड पॉइंट है और एफ बी सी का मिड पॉइंट है. तो देयर फोर ई एफ इज पैरेलल टू ए सी, ई एफ इज पैरेलल टू ए सी एंड ई एफ इज इक्वल्स टू हाफ ए सी. बाय विच थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू हम ये वर्क कर सकते हैं. ठीक, इसी तरीके से अगर आप देखिए तो एक चीज़ आपको और मिलने वाली है. कौन सी चीज़ मिलने वाली है, ध्यान से देखिए. ट्राइंगल ए डी सी की बात करें, इन ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है, बात करते हैं ट्राइंगल ए डी सी की. तो हमने कहा कि इन ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी की अगर हम बात करें बच्चों, तो जी एंड एच आर मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड डी सी. जी एंड एच आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड डी सी. तो देयर फोर यहाँ से क्या हो जाएगा, देयर फोर अगर यहाँ से देखिए तो जी एच एक लाइन सेगमेंट है जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता है. तो जी एच किसके पैरेलल हो जाएगा, ए सी के. तो हमने कह दिया देयर फोर जी एच इज पैरेलल टू ए सी एंड जी एच इज इक्वल्स टू हाफ ए सी. ठीक, ये भी मिड पॉइंट थ्योरम से हो गया. अब इन दोनों कंडीशंस को बच्चों अगर आप देखिए तो दोनों कंडीशंस के थ्रू क्या मिला, ई एफ ए सी के पैरेलल है और ए सी जी एच के पैरेलल है. तो इससे यहाँ से हमें ये मिल गया कि देयर फोर ई एफ इज पैरेलल टू जी एच. तो देयर फोर ई एफ इज पैरेलल टू जी एच, और ध्यान से सुनिएगा, सॉरी ई एफ इज पैरेलल टू जी एच. और दूसरी चीज देखिए, इन दोनों में ई एफ इज इक्वल टू हाफ ए सी, जी एच इज इक्वल टू हाफ ए सी. जब दोनों हाफ ए सी के इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वल है, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा. तो देयर फोर ई एफ इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, जी एच मिल गया. नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच, ई एफ जो है जी एच के पैरेलल है और इक्वल है. तो इसका मतलब ई एफ जी एच क्या बन गया, पैरेललोग्राम. नाउ इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच क्या हो गया आपके पास, ई एफ इज पैरेलल टू जी एच एंड ई एफ इज इक्वल्स टू जी एच, ई एफ इज इक्वल्स टू जी एच. सो देयर फोर क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच इज अ पैरेललोग्राम. ये आपका क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया. एंड वी नो दैट, एंड वी नो दैट, वी नो दैट द डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, डायगनल्स, डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ईच अदर. देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्या चीज़ मिली आपको, यहाँ से आपको ये मिला कि ई एफ, ई एफ और जी एच, ये पूरा आपको एक पैरेललोग्राम मिल गया. और आपको पता है कि ये पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब इसके जो डायगनल्स हैं ई जी और एफ एच, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम से रिलेटेड थ्योरम होती है. तो हमने कह दिया कि वी नो दैट ई एफ जी एच इज अ पैरेललोग्राम, वी नो दैट द डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, देयर फोर, देयर फोर जी ई एंड एच एफ बाइसेक्ट ईच अदर. तो यही चीज़ हमको क्या करनी थी, इस क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी. ठीक है,
नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर यू. कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, ट्रेपेजियम से रिलेटेड फर्स्ट प्रॉब्लम है. कह रहे हैं कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम. ए बी सी डी आपका ट्रेपेजियम है इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी. ए बी साइड ए बी डी सी के पैरेलल है. लेट ई बी द मिड पॉइंट ऑफ ए डी. ई जो है ए डी का मिड पॉइंट है. और एफ आपका क्या है, एफ ई बी द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड एफ बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी. एफ जो है बी सी का मिड पॉइंट है. आपको क्या करना है, एफ बी सी का मिड पॉइंट है सच दैट ई एफ इज इक्वल्स टू ए बी. तो यहाँ से ई एफ इज पैरेलल टू ए बी. कह रहे हैं कि एफ एफ बी सी का मिड पॉइंट है सच दैट कि साइड ई एफ जो है किसके पैरेलल है, साइड ई एफ भी ए बी के पैरेलल है. ये चीज आपको क्या है बच्चों, गिवन है. ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप क्या क्या चीजें हैं. आपको प्रूफ करना है कि एफ जो है आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है बेसिकली क्या चीज प्रूफ करनी है, एफ बी अ पॉइंट होगा यहाँ पे, मिड पॉइंट नहीं होगा. एफ बी अ पॉइंट ऑन बी सी. एफ जो है बी सी का पॉइंट इस तरीके से है कि ई एफ जो है इसके पैरेलल है. आपको बेसिकली प्रूफ करना है कि एफ जो है बी सी का मिड पॉइंट है. और दूसरी चीज आपको प्रूफ करनी है कि ई एफ की जो लेंथ होगी वो हाफ ऑफ ए बी प्लस डी सी होगी. ठीक है, इतना हम लोगों को वर्क करना है. ठीक, तो इसके लिए सबसे पहला काम बच्चों कंस्ट्रक्शन की हम बात करते हैं. तो इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन किया जाएगा. कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमने क्या कर दिया, बी डी को ज्वाइन किया. क्या किया, बी डी को ज्वाइन कर दिया. ध्यान से देखिए, ज्वाइन बी डी, फटाफट बी डी को आप भी ज्वाइन कर दीजिए. हमने किया ज्वाइन बी डी. ठीक, बी डी को ज्वाइन किया. हमने सपोज कर लिया कि बी डी जो है ई एफ को किस पॉइंट, बी डी जो है ई एफ को किस पॉइंट पे कट करती है, एम पॉइंट पे कट करती है. हमने ये चीज़ सपोज कर ली. ठीक है, अब ट्रायंगल अगर आपको देखिए तो आपको ट्रायंगल क्या मिल रहा होगा, ट्रायंगल डी ए बी दिख रहा होगा. ठीक है, इन ट्रायंगल क्या दिख रहा है आपको, ट्रायंगल इन ट्रायंगल डी ए बी. ट्रायंगल डी ए बी की अगर हम बच्चों बात करें, डी ए बी की क्या दिया है, ई एफ पैरेलल दिया है ए बी के. क्या दिया हुआ है बच्चों, ई एफ जो है ई एफ इज पैरेलल टू ए बी. अगर ई एफ बच्चों ए बी के पैरेलल है तो इसका मतलब यहाँ से ई एम भी क्या हो जाएगा, ए बी के पैरेलल. यहाँ से मिल जाएगा कि ई एम जो है ये भी क्या है, ए बी के पैरेलल है. और एक चीज़ है कि, और ये गिवन है कि एंड ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी. तो बाई विच थ्योरम, सो बाई कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के कॉन्वर्स पार्ट से हम क्या कह सकते हैं बच्चों, मिड पॉइंट थ्योरम के कॉन्वर्स पार्ट से कह सकते हैं. ध्यान से सुनिए, ये इसके पैरेलल है, ये मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब थर्ड साइड पे जो भी लाइन सेगमेंट इसको कट करता था वो भी हमारा क्या होता था, मिड पॉइंट होता था. तो हमने कह दिया सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, एम इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ बी डी. तो हमने कह दिया कि एम जो है बी डी का मिड पॉइंट होगा. यहाँ से ये चीज़ हमें मिल गई. ठीक है, अब यहाँ से अगर बच्चों देखिए तो हम लोगों को ये चीज़ पूरी प्रॉपरली मिल गई. और जब M जो है BD का मिड पॉइंट हो गया तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, M अगर BD का मिड पॉइंट हो गया तो हम लिख सकते हैं कि therefore EM is equals to half AB. EM is equals to हम क्या लिख सकते हैं, EM half AB के इक्वल हो सकता है. क्यों हो सकता है, बाई द स्टेटमेंट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन अगर इसके पैरेलल हो गई, ठीक ध्यान से समझिएगा, ये लाइन इसके पैरेलल हो गई अगर, और ये दोनों मिड पॉइंट हुए, ये लाइन सेगमेंट हुआ जॉइनिंग टू पॉइंट मिड पॉइंट्स, तो ई एम इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, हाफ ए बी हो जाएगा. एक चीज़ हमको ये मिल गई. अब बात करते हैं ट्रायंगल बी डी सी की. ट्रायंगल बी डी सी में अगर आइए, इन ट्रायंगल बी डी सी एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी डी. और एम एफ जो है, एम एफ किसके पैरेलल है, ध्यान से समझिएगा, एम एफ की अगर हम बच्चों बात करें तो एम एफ आपका किसके पैरेलल हो जाएगा, डी सी के. ध्यान से देखिए, आपको क्या दिया हुआ था, यहाँ से आपको दिया हुआ था कि जो है ये वाला पोर्शन, सुनिएगा ध्यान से, ई एफ
भी आपको किसके पैरेलल था, ए बी के, और ए बी किसके पैरेलल था, डी सी के. तो यहाँ से ए बी अगर डी सी के पैरेलल है तो ई एफ भी आपका डी सी के पैरेलल हो जाएगा. जब ई एफ डी सी के पैरेलल हुआ तो उस केस पे एम एफ भी किसके पैरेलल हो जाएगा, डी सी के पैरेलल हो जाएगा. तो हमने यहाँ से बच्चों क्या कहा कि नाउ इन ट्रायंगल बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी की अगर हम बच्चों बात करें तो हमने कह दिया क्या चीज़ कहा कि ई एफ इज पैरेलल टू डी सी, सो दिस विल इम्प्लाइज एम एफ इज पैरेलल टू डी सी एंड एम इज अ मिड पॉइंट. एम अगर मिड पॉइंट हुआ बच्चों तो बाई विच थ्योरम, सो बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, एफ इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी. एफ किसका मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट ऑफ बी सी. ठीक, ये चीज़ हमको मिल गई. एफ किसका मिड पॉइंट हो गया, बी सी का मिड पॉइंट हो गया. अब एफ अगर बी सी का मिड पॉइंट हो गया तो बहुत ही ईजी है, ध्यान से समझिए. एफ ये आपको क्या मिल गया, नाउ एम एफ इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू मिड पॉइंट्स एम एंड एफ. सो क्या हो जाएगा, सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, एम एफ किसके पैरेलल हो जाएगा, एम एफ इज इक्वल्स टू, एम एफ पैरेलल है डी सी के तो एम एफ इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा, हाफ डी सी. सो एम एफ इज इक्वल्स टू हाफ डी सी. एम एफ डी सी का क्या हो गया, हाफ हो गया. अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ से अगर हम ई एफ की बात करें तो तो बच्चों ई एफ को हम लिख सकते हैं ई एम प्लस एम एफ. क्या लिख सकते हैं, ई एफ को लिख सकते हैं ई एम प्लस एम एफ. ठीक है, अब ई एम की बात करें तो ई एम इज इक्वल्स टू यहाँ से हमें क्या मिला था, हाफ ऑफ ए बी. ई एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी और एम एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डी सी मिला. तो ई एफ इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, हाफ ऑफ ए बी प्लस डी सी. संभाल के इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा. इस क्वेश्चन की कई वैरायटीज होती हैं, डिफरेंट फॉर्म में लैंग्वेज यूज करके आपसे पूछा जाता है. ठीक है, ध्यान से समझ के इसको पढ़िएगा. ठीक है, तो क्या मिला कि साइड जो ई एफ है वो किसके इक्वल मिल गया, हाफ ऑफ ए बी, ए बी का हाफ ऑफ ए बी प्लस डी सी. मतलब ई एफ किसके लेंथ के इक्वल हो गया, ए बी प्लस डी सी के लेंथ के हाफ के इक्वल हो गया. ठीक है,